लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को भारत का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है। जनरल सगत सिंह एकमात्र सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने 3 युद्ध में जीत हासिल की थी। उनके नेतृत्व में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था। सिर्फ 40 घंटे के अंतर्गत पुर्तगालियों ने गोवा को भारत को सौंप कर निकल गए थे। यह सब जनरल सगत सिंह के कारण ही संभव हो पाया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जनरल सगत सिंह ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही ढाका पर कब्जा किया था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। इनकी पोस्टिंग जब भारतीय चीन सीमा के नाथुला दर्रे में हुई थी तो उस समय वहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हमेशा धक्का मुक्की हुआ करती थी। ऐसी झड़प रोजाना होने से रोकने के लिए जनरल सगत सिंह ने आदेश दिया कि नाथुला सेक्टर में तारबंदी शुरू की जाए। भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे और वे तारबंदी कर रहे थे। इसी समय पर अचानक से चीनी सैनिकों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी जिससे बहुत सारे भारतीय सैनिक हताहत हुए। यह बात जब जनरल सगत सिंह को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने तोपे नीचे से ऊपर की तरफ मंगवाई। लेकिन उस समय तोप चलाने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते थे। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आदेश ना मिलता देख उन्होंने बिना किसी आदेश के ही चीनी सैनिकों पर तोप से हमला कर दिया। इससे हुआ यह कि एक ही बार में 300 से 400 चीनी सैनिक मर गए, जिसे चाइना बहुत ही ज़्यादा डर गया और चाइनीज सैनिकों ने सफ़ेद झंडा दिखाते हुए भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।